भोपाल में 80% से भी ज्यादा जगहों पर गौ काष्ठ से होलिका दहन मनाया जा रहा है। आपको बता दें, पिछले साल भी भोपाल में गौ काष्ठ का इस्तेमाल किया गया था। गौ काष्ठ पर्यावरण के लिए भी अच्छा होता है, साथ ही गौ काष्ठ के जलने के बाद जो राख बचती है उससे अबीर भी बनाया जाता है। भोपाल की सोशल एक्टिविस्ट नीतादीप वाजपेयी ने गौ काष्ठ होलिका दहन के बहुत सारे फायदे बताए हैं। तो चलिए उनसे ही जानते हैं गौ काष्ठ से होलिका दहन प्रकार मनाया जा सकता है। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम नीतादीप वाजपेयी है। नमस्कार। तो जैसे अभी होलिका दहन आने वाली है, उसमें बहुत सारे लोग गौ काष्ठ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या आप बता सकती है गौ काष्ठ जो है ये किस प्रकार से वातावरण का होता है? देखिए, अभी होली आ रही है तो गौ काष्ठ तो अपने आप में बहुत शुद्ध है, और दूसरा हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। जो पेड़ पौधे हैं जो कटते हैं, सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे भोपाल में पिछले साल 80% गौ काष्ठ इस्तेमाल हुआ था होली में। तो होली में गौ काष्ठ अगर इस्तेमाल होता है तो एक तो प्रदूषण से हमको मुक्ति मिलेगी, दूसरा उसकी राख को हम रीयूज़ कर सकते हैं, जो लकड़ी में नहीं हो पाता है वो चारकोल बनेगा, और इस तरह से हम कई हज़ारों पेड़ बचा सकते हैं, कई हज़ारों टन पेड़ बचा सकते हैं। तो इस तरह हम चाहते हैं कि आने वाली होली में सभी लोग गौ काष्ठ का उपयोग करें, और गौ काष्ठ की जो राख होती है, तो आपको एक और चीज़ बताएं, उससे गुलाल भी बहुत अच्छा बनता है और वो एंटीसेप्टिक भी होता है। तो इस तरह ये कह सकते हैं कि एक हमारी हर्बल होली होगी, ऑर्गेनिक होली होगी, और पर्यावरण को प्रदूषित ना करते हुए त्यौहार का आनंद लें। जी, तो जैसे आपने बताया गौ काष्ठ से गुलाल बन सकते हैं, तो क्या ये किस प्रकार बन सकता है? मतलब इसमें देखिए कई सारी चीज़ें इस्तेमाल होती है। बेसिक तो हम जो गोबर का पाउडर होता है जो राख के बाद निकलता है, उस बिल्कुल फाइन निकलता है वो, तो वो टेलकम पाउडर जैसा होता है, उसमें फूलों के ही पाउडर मिलाए जाते हैं सुखा के। टेसु के फूल हैं, गेंदे के फूल हैं, गुलाब के फूल हैं, तो अलग अलग कलर के फूल, तो वो जो हम दूसरे केमिकल्स यूज़ करते हैं उसकी बजाय हम गोबर का पाउडर यूज़ करते हैं। तो वैसे ही गौ काष्ठ का पाउडर हमारा इस्तेमाल हो गया, तो वो एंटीसेप्टिक भी होता है और हर्बल भी, प्योर हर्बल होता है वो, उसमें किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं मिलाया जाता। जी, तो क्या ये गौ काष्ठ वाले जो गुलाल हैं ये कई मार्केट में मिल रहे हैं अभी? हाँ जी, हमारे यहाँ बन रहे हैं और मार्केट में कई लोग बना रहे हैं, तो इसका आप उपयोग भी कर सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। जी, तो जैसा आपने बताया गौ काष्ठ से होलिका दहन मनाने का, तो भोपाल में अभी इस बार गौ काष्ठ से क्या जगह पे होलिका दहन मनाई जा रही है? देखिए, गौ काष्ठ से तो ऑलमोस्ट भोपाल में 80% जगह, जितनी भी सोसाइटीज़ हैं भोपाल में, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, इसके अलावा जितने भी हमारे मैदान हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी होली बनती है, सब गौ काष्ठ से होता है। उसमें एक और चीज़ ये है कि जो गौ काष्ठ के केंद्र हैं, वितरण केंद्र हैं, विक्रय केंद्र हैं, वो नगर पालिका निगम से ही अलग अलग बनाए गए हैं। भोपाल में लगभग 15 से 20 ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको गौ काष्ठ उपलब्ध होगा, तो आप वहाँ से बिल्कुल गौ काष्ठ खरीदिए, बहुत सस्ता भी है और लकड़ी से भी सस्ता पड़ेगा, और आपको बड़ी होली बनाने, मतलब आप जितना आप कह लीजिए लकड़ी में आप खर्च करते हैं, उससे डबल बड़ी होली बनेगी आपकी, और पर्यावरण प्रदूषित भी नहीं होगा। जी,